नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि Asus कंपनी बहुत जल्द अपने नए स्मार्टफोन Asus Zenfone 7 को लेकर आ रही है। तो दोस्तों, लीक्स डिटेल के मुताबिक इस स्मार्टफोन को जुलाई में 16 तारीख को लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के बीच Xiaomi कंपनी भी अपने नए स्मार्टफोन Xiaomi Redmi K40 को लेकर आ रही है, जो कि दोस्तों लगभग अगस्त 19 को लॉन्च होगा। तो दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन की मार्केट में कड़ी टक्कर रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी, और कौन से स्मार्टफोन का प्राइस ज्यादा होगा, और कौन से स्मार्टफोन में आपको बढ़िया और अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि बात करें इन दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन में डिस्प्ले के बारे में, तो Asus Zenfone 7 स्मार्टफोन में आपको 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ 6.4 इंच की पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगी। जबकि दोस्तों, Redmi K40 स्मार्टफोन में आपको 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ 6.57 इंच की पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, डिस्प्ले तो इन दोनों स्मार्टफोन की लगभग सेम सी ही है। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों, यदि बात करें इन दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में, तो Asus Zenfone 7 स्मार्टफोन में आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 का चिपसेट देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ग्राफिक के लिए स्मार्टफोन में आपको एड्रिनो 650 का जीपीयू देखने को मिलेगा। जबकि दोस्तों, Redmi K40 स्मार्टफोन में आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 730G का चिपसेट देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ग्राफिक के लिए स्मार्टफोन में आपको एड्रिनो 618 का जीपीयू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन में से प्रोसेसर के मामले में Asus Zenfone 7 स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको Redmi K40 स्मार्टफोन से बड़ा प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, यदि बात करें इन दोनों स्मार्टफोन की रैम और स्टोरेज के बारे में, तो Asus Zenfone 7 स्मार्टफोन में आपको 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज का वेरिएंट देखने को मिलेगा, जिसे आप मेमोरी कार्ड द्वारा 256GB तक बढ़ा सकते हैं। जबकि दोस्तों, Redmi K40 स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी, और इसे आप मेमोरी कार्ड द्वारा 256GB तक बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, यदि बात करें इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो Asus Zenfone 7 स्मार्टफोन में आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें से 64MP का प्राइमरी कैमरा होगा और 13MP का वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा। और दोस्तों, सेल्फी के लिए स्मार्टफोन में आपको 20MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। जबकि दोस्तों, Redmi K40 स्मार्टफोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें 64MP का प्राइमरी कैमरा होगा, 8MP का वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा, और 5MP का लेंस कैमरा होगा, और 2MP का डेप्थ कैमरा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, सेल्फी के लिए स्मार्टफोन में आपको ड्यूअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें से 25MP का प्राइमरी कैमरा होगा और 5MP का कैमरा होगा। तो दोस्तों, कैमरा के मामले में Redmi K40 स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, और दोस्तों इसके फ्रंट पैनल पर भी आपको ड्यूअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, यदि बात करें इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो Asus Zenfone 7 स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जबकि दोस्तों Redmi K40 स्मार्टफोन में आपको 5100mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और इसके साथ आपको 33W का फास्ट चार्जर मिलेगा। तो दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि इन दोनों स्मार्टफोन के चार्जर में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो थी इन दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की बात। और यदि बात करें इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में, तो लीक्स डिटेल के मुताबिक Asus Zenfone 7 स्मार्टफोन की कीमत इंडियन मार्केट में लगभग 30,000 से 35,000 रुपए के बीच हो सकती है, जबकि दोस्तों Redmi K40 स्मार्टफोन की कीमत 20,000 से 25,000 रुपए के बीच हो सकती है। तो दोस्तों, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन में आपको बड़े और अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन Asus Zenfone स्मार्टफोन की अभी कुछ स्पेसिफिकेशन कन्फर्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, यदि आपका प्राइस कम है और आप बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो आप Redmi K40 स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको बड़े और अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, यदि आपका प्राइस ज्यादा है और आप और ज्यादा स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के साथ स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो आप हमारे हिसाब से Asus Zenfone 7 भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इनमें से आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया और कौन से स्मार्टफोन में आपको क्या फीचर्स अच्छे लगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।